हेलो स्टूडेंट्स, मैं शिवम मित्तल स्वागत करता हूं आप सभी का एजुकेशन इंसाइट की एक नई वीडियो में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी। लेकिन अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी से पहले मैं एक बात बोलूंगा विशेष कि अकाउंटिंग में केवल चार एलिमेंट है, एसेट, लाइबिलिटी, इनकम और एक्सपेंस। एसेट, लाइबिलिटी, इनकम और एक्सपेंस, इन चारों एलिमेंट के बारे में विशेष पढ़ना है। इस चारों एलिमेंट के बारे में यदि अच्छे से समझ में आ गया तो अकाउंटिंग बहुत आसान रहेगी। पहले बात कर रहे हैं पहली टर्मिनोलॉजी एसेट की। एसेट का मतलब क्या है? हम अपने डेली रूटीन में वर्ड तो बहुत बार यूज करते हैं एसेट। हिंदी में संपत्ति, कि घर मेरी संपत्ति है, मोबाइल मेरी संपत्ति है। लेकिन उस संपत्ति को पहचानने के लिए एक प्रॉपर डेफिनेशन क्या होगी, एक एसेट की प्रॉपर डेफिनेशन क्या होगी कि मैं किस बेसिस पे आइडेंटिफाई करूंगा ये मेरी एसेट है। एसेट को आइडेंटिफाई करने के लिए चार एलिमेंट है। एसेट को आइडेंटिफाई करने के लिए चार एलिमेंट है। नंबर वन, फुल कंट्रोल। नंबर वाला फुल कंट्रोल। नंबर सेकंड, पास्ट एफर्ट। नंबर थर्ड, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। और नंबर फोर्थ, मॉनेटरी मेजरमेंट। मॉनेटरी मेजरमेंट तो हमने हर बार बात कर रहे हैं मॉनेटरी मेजरमेंट के ऊपर, आज बात करेंगे इन तीनों में। एसेट तब मानी जाएगी जब ये चारों एलिमेंट, चारों क्राइटेरिया हो जाएंगे फुलफिल। नंबर वन है फुल कंट्रोल, कि जो भी मेरी संपत्ति है, जो भी एलिमेंट मैंने परचेज किया या मेरे पास है, उस एलिमेंट पर पूरा कंट्रोल मेरा हो। उस एलिमेंट पर पूरा कंट्रोल मेरा हो। मैंने कोई घर परचेज किया है, उस घर पर पूर्ण अधिकार मेरा हो। सेकेंड नंबर, पास्ट एफर्ट, कि उस एसेट को परचेज करने के लिए या बनाने के लिए मैंने पास्ट एफर्ट किए, पहले कुछ काम किया है पैसा कमाने के लिए, फिर वो एसेट किया जनरेट। नंबर थर्ड, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, उस पर्टिकुलर एलिमेंट से मुझे भविष्य में फायदा होगा। फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, कि भविष्य में मुझे कुछ ना कुछ तो फायदा होगा। और नंबर फोर्थ, मॉनिटरी मेजरमेंट, मौद्रिक मूल्यांकन पॉसिबल। ये चारों एलिमेंट जहां पर हो जाएंगे फुलफिल वो मेरी एसेट मानी जाएगी। एग्जाम्पल लें बिल्डिंग का, मैंने एक बिल्डिंग परचेज की है, क्या बिल्डिंग को परचेज करने के लिए मैंने पहले पास्ट एफर्ट किया था, पैसा कहीं से इकट्ठा किया था, नौकरी करके या बिजनेस करके? बिल्कुल किया है। अभी मैं उस कंडीशन में नहीं जा रहा हूं कि मैंने बैंक से लोन लिया है। जब एक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे सब्सटेंस ओवर फॉर्म, तब उसके बारे में और देखेंगे। अभी तो केवल नॉर्मल जो मैं बात बोल रहा हूं उसी को सुने। मैंने एक बिल्डिंग बनवाई है, पैसा था वो मैंने पास्ट एफर्ट से जनरेट किया था। उस बिल्डिंग बनवाने के बाद पूरा कंट्रोल मेरा है, और उस क्या बिल्डिंग से मुझे भविष्य में बेनिफिट होगा? आज मैंने बिल्डिंग बनवाई है, घर बनवाया है, आज मैंने घर अपने लिए बनवाया है, तो भविष्य में मेरा रेंट सेव होगा, तो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट है, बिल्कुल है। और मॉनिटरी मेजरमेंट तो हर बार होगा ही, चारों एलिमेंट फुलफिल, तो बिल्डिंग मेरी एसेट है। एक एग्जाम्पल हो, मैंने एक बिल्डिंग ली है रेंट पे, मैंने एक बिल्डिंग ली है रेंट पे, एक बिजनेस ओपन किया था मैंने अप्रैल में, मैंने बिल्डिंग ले ली रेंट पे और मैंने एक महीने का रेंट पेड कर दिया अप्रैल का, क्या उस बिल्डिंग पे फुल कंट्रोल मेरा है? सपोज मैंने कोई कमरा लिया है किराए पे, उस एक महीने तक कंट्रोल पूरा मेरा है, क्या वो पैसा जनरेट करने के लिए मैंने पास्ट एफर्ट किया था? बिल्कुल किया है। अब क्या जो मैंने अप्रैल में रेंट पेड किया है उससे मुझे मई में फायदा मिलेगा? क्या ऐसी कंडीशन पॉसिबल है कि मैंने मालिक को अप्रैल का रेंट पेड कर दिया और मुझे वो मई में भी रहने दे दे? नहीं देगा। तो मतलब ये वाली कंडीशन फुलफिल नहीं हुई, तो वो एसेट नहीं है। बात क्लियर है? एसेट कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? चारों एलिमेंट जहां पर हो जाएंगे फुलफिल वो मेरी एसेट है। अब बात करें लाइबिलिटी, कि लाइबिलिटी कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? लाइबिलिटी हिंदी में बोलते हैं जिम्मेदारी, रेस्पॉन्सिबिलिटी, दायित्व। लाइबिलिटी का मतलब ऐसे एलिमेंट जो हमें फ्यूचर में चुकाने हैं, जो हमें फ्यूचर में चुकाने हैं, फ्यूचर पेमेंट, फ्यूचर में चुकाने हैं, जिस पर कोई भी कंट्रोल हमारा नहीं है, कोई भी कंट्रोल हमारा नहीं है, और मनी मेजरमेंट, फ्यूचर पेमेंट हमें करना है, कोई भी कंट्रोल हमारा नहीं है, मनी मेजरमेंट है, उन्हें बोलेंगे लाइबिलिटीज। फॉर एग्जाम्पल, आज मैंने बैंक से लोन लिया है, क्या लोन मुझे भविष्य पेड करना पड़ेगा? बिल्कुल करना पड़ेगा।
क्या टर्म एंड कंडीशन जो डिसाइड करी है मैं अपने ब्याज पे करूंगा कि बैंक अपने ब्याज पे करेगी, बैंक खुद बताएगी टर्म एंड कंडीशन क्या रहेंगे, इसका मतलब कोई भी कंट्रोल नहीं है। और नंबर थर्ड, मनी मेजरमेंट लोन किया तो वैल्यू फिक्स होगी, तो लाइबिलिटी जहां पर फ्यूचर पेमेंट होगा कोई भी कंट्रोल मेरा नहीं है, और मॉनिटरी मेजरमेंट है। ये डेफिनेशन हो गई लाइबिलिटी। अब बात करें एसेट के टाइप की और लाइबिलिटी के टाइप की, बहुत इंपॉर्टेंट है, एसेट के टाइप की और लाइबिलिटी के टाइप की। एसेट के टाइप, एसेट के टाइप एक तो करेंट एसेट है, एक नॉन करेंट एसेट है। एसेट के टाइप में एक करेंट एसेट है और एक नॉन करेंट एसेट है। करंट एसेट और नॉन करंट एसेट में डिफरेंस क्या है? करंट एसेट में और नॉन करंट एसेट में डिफरेंस ये है कि करंट एसेट मींस दोज एसेट्स, करंट एसेट कुछ ऐसी एसेट्स जो हमें बेनिफिट देंगी मैक्सिमम एक साल तक, या फिर उन एसेट को कैश में कन्वर्ट करने के लिए, उन एसेट को कैश में कन्वर्ट करने के लिए एक साल से कम का टाइम लगेगा। वापस, करंट एसेट ऐसी एसेट जो मैक्सिमम एक साल तक का बेनिफिट देंगी, या फिर उस एसेट को कैश में कन्वर्ट करने के लिए मैक्सिमम टाइम लगेगा एक साल, एक साल से ऊपर नहीं लगेगा। एग्जाम्पल, मेरी कपड़े की दुकान है और मैं कपड़ा बेचता हूं लोगों को उधार, मैं कपड़ा बेचता हूं लोगों को उधार। हर बार 11th क्लास में अज्यूम करते चलेंगे कि वो लोग मुझे एक साल के अंदर ही पेमेंट दे जाएंगे, एक साल के अंदर ही मुझे पैसा दे जाएंगे। तो पहली बात तो वो लोग मेरी एसेट है या नहीं वो हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। उस टर्मिनोलॉजी को क्या बोलेंगे वो बाद में देखेंगे। जो मैंने अपने ग्राहक को, मैं बात वर्ड ले रहा हूं ग्राहक, कस्टमर, कस्टमर को मैंने उधार माल बेचा है वो मेरी एसेट है या नहीं? क्या कस्टमर को जो मैंने माल बेचा है, जो मैंने माल बेचा कस्टमर से, जो मैंने टर्म एंड कंडीशन का एग्रीमेंट किया है उस पर फुल कंट्रोल मेरा है या नहीं? कि हमारे दोनों के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी कि मैंने कह दिया भैया 2 महीने या 6 महीने के अंदर पेमेंट करना है, उसे कहा ठीक है मैं कर दूंगा। क्या जो माल मैंने बेचा है वो मैंने पास्ट एफर्ट जनरेट किया था? क्या इस कस्टमर जो मुझे भविष्य में पैसा देगा मुझे भविष्य में बेनिफिट होगा? भविष्य में मतलब मुझे 6 महीने के बाद, 6 महीने एक साल के अंदर पेमेंट करेगा बेनिफिट होगा? बिल्कुल होगा। और ट्रांजेक्शन का मॉनिटरी मेजरमेंट हो गई, तो कस्टमर मेरी एसेट है। तो ऐसी एसेट जो कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे एक साल के अंदर करंट एसेट है, और ऐसी एसेट जो कैश में कन्वर्ट होंगे एक साल के बाद, या फिर ऐसी एसेट जो मुझे बेनिफिट देंगी एक साल से ज्यादा, या तो कैश में कन्वर्ट हो जाएंगी एक साल के बाद या फिर बेनिफिट देंगी एक साल से ज्यादा, वो है नॉन करंट एसेट। एग्जांपल बिल्डिंग, आज मैंने बिल्डिंग परचेस की है, बिल्डिंग क्यों परचेस की है? क्योंकि आने वाले 20-30 साल में उसमें रहूंगा मैं, तो मेरा रेंट सेव होगा। तो नॉन करंट एसेट ऐसी एसेट बेनिफिट देंगी एक साल से ज्यादा, करंट एसेट ऐसी एसेट जो बेनिफिट देंगी एक साल तक मैक्सिमम, या फिर कैश में कन्वर्ट करने के लिए करंट एसेट को एक साल से कम टाइम लगेगा और नॉन करंट एसेट को एक साल से ज्यादा टाइम लगेगा। अब लाइबिलिटी के टाइप्स, लाइबिलिटी कितने टाइप, लाइबिलिटी के टाइप के लिए पहले तो लाइबिलिटी का जो भी क्लासिफिकेशन होगा दो बेसिस पे, एक तो सब्जेक्ट टू ओनरशिप है, सब्जेक्ट टू ओनरशिप है, और एक रीपेमेंट है। सब्जेक्ट टू ओनरशिप या फिर रीपेमेंट। सब्जेक्ट टू ओनरशिप का मतलब, सब्जेक्ट टू ओनरशिप मतलब जो हमने पैसा उधार लिया है ये किससे लिया है, इस पैसे का मालिक कौन है, या हमने माल उधार खरीदा है तो माल का मालिक कौन है, या कुछ भी हमने लिया है उधार उसका मालिक कौन है? क्या मालिक बिजनेस के अंदर वाला है या बिजनेस के बाहर वाला है? क्या मालिक वही है जिसने दुकान ओपन करी है, या फिर मालिक वो है जिसने माल बेचा है उधार हमने? तो ओनरशिप का मतलब कि हमने ये लाइबिलिटी जनरेट कहां से करी है, बिजनेस के अंदर से या बिजनेस के बाहर से। तो ओनरशिप में दो आ जाएंगे, एक तो इंटरनल और नंबर सेकंड एक्सटर्नल। इंटरनल और एक्सटर्नल, इंटरनल जब या तो हम पैसा उधार लें मालिक से खुद जिसने दुकान खोली है उसी से, या फिर हम लें किसी बाहर वाले से पैसा उधार, बैंक से या किसी और पार्टी से।
इंटरनल लाइबिलिटी जो आंतरिक रूप से जनरेट हुई है, एक्सटर्नल लाइबिलिटी जो बाहर से जनरेट हुई है। इंटरनल लाइबिलिटी का दूसरा नाम याद रखेंगे कैपिटल। अब बात कर रहे हैं पेमेंट बेसिस की। पेमेंट बेसिस का मतलब हमें रीपेमेंट करना है या तो एक साल के अंदर या एक साल के बाद वापस एसेट अलर्ट वाला ही। तो जो एक साल के अंदर पेमेंट करना है करंट लाइबिलिटी, एक साल के अंदर पेमेंट करना है करंट लाइबिलिटी, एक साल के बाद पेमेंट करना है नॉन करंट लाइबिलिटी। लाइबिलिटी का क्लासिफिकेशन दो बेसिस पे, ओनरशिप पे और रीपेमेंट पे। ओनरशिप जो पैसा आया उधार वो मालिक से लिया है या किसी बाहर वाले से लिया है। मालिक से लिया है इंटरनल लाइबिलिटी या फिर कैपिटल बाहर वाले से लिया है तो उसका स्पेसिफिक नाम बैंक लोन वगैरह या फिर क्रेडिट या फिर सप्लायर। रीपेमेंट बेसिस पे कि मुझे पेमेंट एक साल के अंदर करना है तो करंट लाइबिलिटी, एक साल के बाद करना है तो नॉन करंट लाइबिलिटी। ये थी अपनी अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी एसेट और लाइबिलिटी। इसके आगे की टर्मिनोलॉजी को देखेंगे अगली क्लास में।